एक पार्टी स्पीकर से आप सिर्फ पार्टीज में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन कर गया कि उसे मीडियम आवाज में अपने रूम में गाने सुनने के लिए यूज करूं तो बिल्कुल भी नहीं। और बाई चांस अगर आपका मन कर गया कि आपको उसे टीवी में लगा के मूवीज को एंजॉय करना है तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज से चेंज होने वाला है तो शायद आपको यकीन करने में थोड़ी परेशानी होगी। मुझे भी हुई थी जब मैंने देखा ज़ेबरोनिक्स के ऑक्टेव को, जो कि डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट के साथ आता है, और मैंने इसका एक नया नाम भी रखा है जो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको अपना नाम बताता हूं, विनीत मल्होत्रा। और आज मैं ज़ेबरोनिक्स के ऑक्टेव का एक शानदार ऐसा रिव्यू करने जा रहा हूं जो आपको कहीं पे और देखने को नहीं मिलेगा। ज़ेबरोनिक्स ने ये स्पीकर मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए, लेकिन उनके साथ भी मेरी वही कंडीशन है जो हर ब्रांड के साथ होती है कि मैं आपको ऑनेस्टली हर बात बताऊंगा इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के साथ, ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का फैसला खुद ले सकें। अब आपको सबसे पहले इस ऑक्टेव स्पीकर की लुक्स के बारे में बताता हूं जल्दी से। जबरदस्त लुक्स के साथ आने वाले इन ट्विन टावर स्पीकर्स के अंदर आपको बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, और शानदार इसलिए क्योंकि ये 12 और 16 mm वुड का बना है, और इसमें जो गोल्ड एक्सेंट्स फ्रंट में दिए गए हैं दैट एक्चुअली मेक्स इट लुक वेरी प्रीमियम। आपको इसके सामने टच कंट्रोल बटन्स भी देखने को मिलेंगे, और जो ये ट्विटर का डिजाइन आप देख रहे हैं, आई थिंक इट लुक्स मैग्निफिसेंट। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इस ट्विटर के डिजाइन को आप क्लिप्स के टावर स्पीकर के साथ रिलेट कर सकते हैं, एंड इट लुक्स फैबुलस टू मी। अनदर गुड थिंग इज द गोल्ड एक्सेंट्स ऑन द स्पीकर, एंड दे लुक फैबुलस। गोल्ड एक्सेंट्स के ये दोनों स्पीकर्स जो आपको दोनों टावर्स पे दिख रहे हैं, ये फुल रेंज मिड ड्राइवर्स हैं 5.25 इंचेस के, और जिस ट्विटर की मैंने बात करी वो है 1 इंच का डोम ट्विटर, एंड द बेस इज टेकन केयर बाय 2 8 इंचेस सब वूफर्स जो आपको दोनों टावर्स के अंदर एक एक देखने को मिलेंगे। 170 वॉट एक टावर का आउटपुट है, दोनों का मिला के हो गया 340 वॉट का टोटल आउटपुट, एंड आपको साथ में डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट मिलती है, और 2 माइक्रोफोन्स आपको इस स्पीकर के साथ मिलेंगे, एंड दे आर वायरलेस माइक्रोफोन, एंड दे पेयर सो ब्यूटिफुली। इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको इसकी ऑडियो टेस्ट सबसे पहले सुनाता हूं, जल्दी से सुनिए। ऑडियो क्वालिटी आपने अभी अभी सुनी वो बिल्कुल अलग हो जाएगी अलग अलग रूम्स में या फिर अलग अलग जगह पे इस स्पीकर को प्ले करने पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। अगर आप इससे पार्टी करना चाहते हैं, आई कैन टेल यू इस रेंज में आने वाले किसी भी और स्पीकर से आप इसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज बाय फार द बेस्ट पार्टी स्पीकर दैट यू कैन गेट इन दिस प्राइस रेंज, बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत शानदार लोअर बेस मिलती है। लेकिन लोअर बेस जो ज़ेबरोनिक्स की बहुत ज्यादा अच्छी होती है हर प्रोडक्ट में, उस पे उन्होंने इस बार फोकस नहीं किया, बिकॉज इट इज अ पार्टी स्पीकर, दे हैव फोकस्ड मोर ऑन the upper base, which is contrary to ज़ेबरोनिक्स DNA, and that is the win-win situation for this party speaker. ये speaker आपको ऐसी बेस देगा जो आपको नीचे से ऊपर आती हुई भी लगेगी, और ऐसी बेस भी देगा जो आपको छाती पे एकदम टकरा के यहां पे फील होगी। That will be amazing. और एक चीज ध्यान से आपको समझनी होगी कि वोकल्स के अंदर कोई भी स्पीकर मैन्युफैक्चरर ध्यान नहीं देता, लेकिन ज़ेबरोनिक्स ने 4 फुल रेंज के मिड ड्राइवर्स इन स्पीकर्स के अंदर दिए हैं। इसका मतलब आपको वोकल्स में किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, इवन ड्यूरिंग द पार्टी, एंड दैट विल ब्रिंग द लाउडनेस टू योर रूम, टू योर हॉल, या आप जहां पे भी पार्टी कर रहे हैं उसमें लाउडनेस इन्हीं मिड ड्राइवर्स की वजह से आने वाली है।
एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द हाई नोट्स। यानी आपको ट्विटर की वजह से जो अल्टीमेट क्लैरिटी इन स्पीकर्स से मिलेगी किसी भी गाने में, किसी भी जॉनरा के गाने में, वो आप इन स्पीकर्स से अमेजिंगली एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यू विल बी अमेज्ड। लेकिन ये सब समझाने से बढ़िया है कि मैं आपको एक और सॉन्ग सुनाऊं। इससे पहले जो मैंने आपको ऑडियो टेस्ट सुनाया था उसमें सिर्फ म्यूजिक था, आपने बेस बहुत ज्यादा एंजॉय करी, लेकिन अब मैं आपको जो सुना रहा हूं वो थोड़ा सा वोकल्स के साथ है, इसे भी सुनिए। ये वाला ऑडियो सुनने के बाद शायद आपको समझ में आया होगा कि मैं मिड्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा था और मैं क्या कहना चाह रहा था। एक पार्टी स्पीकर को आपको सिर्फ पार्टी स्पीकर की तरह ही यूज नहीं करना है। आप रोज पार्टी नहीं करते, आप अपने स्पीकर को अपने रूम में गाने सुनने के लिए भी यूज करना चाहते हैं और टीवी के साथ लगा के आप उससे अच्छी मूवीज भी देखना चाहते हैं, और यही काम हमने इस स्पीकर से भी किया। जानते हैं क्यों? सबसे पहले आपको इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस बताता हूं कि इसके अंदर आपको अब HDMI ARC पोर्ट भी मिलता है, इसके अलावा आपको ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा, ऑक्स पोर्ट भी मिलेगा, और आप USB से भी गाने प्ले कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इसमें ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलती है। तो हमने क्या काम किया, हमने ब्लूटूथ से गाने प्ले करे, लेकिन जैसे ही टीवी की बारी आई हमने HDMI ARC केबल निकाली और इसे टीवी के साथ लगा के एक ट्रेलर प्ले किया। आप देखना चाहते हैं एवेंजर्स, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, उसका ट्रेलर देखिए और एंजॉय करिए, और प्लीज टीवी को मत देखिएगा। इन दोनों बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ टीवी बिल्कुल बच्चा सा लग रहा है। There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. सॉरी, मैं ज्यादा देर तक आपको ये ट्रेलर दिखा नहीं सकता कॉपीराइट रीजंस की वजह से, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़ेब्रोनिक्स का ऑक्टेव एक्चुअली में साउंड कैसा करता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और ऑडियो फाइल्स का लिंक क्लिक करना है और आपके फोन में वो ऑडियो फाइल्स आ जाएंगे जिसे आप सुन सकते हैं। क्या है वो? इस स्पीकर से जितने भी सॉन्ग्स को हमने चलाया, जिससे टेस्टिंग करी, उन सब को हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसे अपलोड मैंने किया अपनी ड्राइव पे। उस ड्राइव का लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअली में इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है और उसके बाद आप एक सही डिसीजन ले सके इसे लेने या ना लेने का। और अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इस स्पीकर के अंदर और क्या खास बात है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस स्पीकर से साउंड स्टेज क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ साउंड स्टेज? आपका रूम मान लीजिए 15 फीट चौड़ा है, और अगर आप एक टावर को एक कोने पे और दूसरे टावर को दूसरे कोने पे रखेंगे, देन यू आर क्रिएटिंग अ साउंड स्टेज ऑफ 15 फीट, दैट इज 15 फीट वाइड साउंड स्टेज। आप जब ऐसा करते हैं और इन दोनों स्पीकर्स को रखते हैं तो आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिलती है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलती है अगर आप इन स्पीकर्स को साथ में रख के प्ले करेंगे उससे। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ दिस स्पीकर। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था ये स्पीकर अलग अलग रूम और अलग अलग तरीके से प्ले करने पे अलग ऑडियो क्वालिटी देता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज स्पीकर्स। अगर आपके घर में पार्टी है, इन्हें साथ में रखिए थोड़े से डिस्टेंस पे, लेट्स से 2 or 3 feet डिस्टेंस पे, और आप देखिए इसका कमाल, ये पूरी पार्टी को हिला के रख देगा और एवरीबॉडी विल से कि ये बेस यहां पे लग रही है। अगर आपके घर में पार्टी नहीं है एंड इफ यू वांट टू एंजॉय सॉन्ग्स, तो साउंड स्टेज क्रिएट करिए, जितना लंबा कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा, यानी जितना बड़ा साउंड स्टेज उतना ज्यादा अच्छा, एंड देन द स्पीकर विल गिव यू ऑटोमेटिकली अ मेलोडियस ऑडियो एंड यू विल बी
zapped. आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, ये सेम स्पीकर है लेकिन ये डिफरेंट ऑडियो क्वालिटी कैसे दे रहा है. एंड इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय मूवीज लाइक अ सिनेमा हॉल, लाइक अ थिएटर, थोड़ा सा क्लोज करिए एंड देयर यू गो, यू एक्चुअली गेट अ सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस इन दिस स्पीकर सेट. एंड दैट इज व्हाई आई एम अमेज्ड. आपको एक्चुअली में डॉल्बी ऑडियो की क्वालिटी फील होगी इन स्पीकर से जब आप वो एवेंजर्स की क्लिप को सुनेंगे. गो एंड जस्ट डाउनलोड इट एंड लिसन टू इट. अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल जो आपको फुल्ली फंक्शनल नहीं मिलता. इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स हैं लेकिन द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस रिमोट कंट्रोल इज नॉट वेरी गुड. आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड, बट ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता. आपको इसमें टच कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं. दे आर गुड, दे डू प्रॉपर फंक्शन एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. उसके अलावा आपको जो ये दो माइक्रोफोन्स मिलते हैं, दे मे लुक ओनली प्लास्टिक माइक्रोफोन्स बट इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. और ये एक कमाल की चीज और कर रहे हैं जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमने इन माइक से भी कुछ खेला, आपको वो खेल दिखाते हैं. सारी रात आए मरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा. आप हंस सकते हैं हमारे खेल कूद पे क्योंकि ऑफिस और स्टूडियो में हम ऐसे काम करते ही रहते हैं. लेकिन जो मेन बात आपको जाननी है वो ये है कि अगर आपने कोई सॉन्ग चलाया और उसके साथ इस माइक को यूज करेंगे फॉर सिंगिंग, तो ऑडियो क्वालिटी सॉन्ग की कम नहीं होगी. आपको मोस्ट ऑफ दी स्पीकर्स के अंदर ये देखने को मिलेगा कि कोई भी कैरियोके को ऑन करते ही ऑडियो क्वालिटी सॉन्ग की कम हो जाती है और ऑडियो वॉल्यूम भी कम हो जाती है. दोनों ही चीजें इस स्पीकर में नहीं हो रही एंड दैट इज द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टावर स्पीकर. ये करा इस तरह से गया है कि इसके अंदर जो पावर ड्रॉ करी जा रही है उसे अलग रखा गया है टू द पावर विच इज गोइंग इन द स्पीकर्स, इन द सबवूफर एंड इन द ट्विटर. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट क्योंकि कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इतने अच्छे से नहीं करता अपने स्पीकर्स में. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक Zebronics हैज गॉट अ विनर इन इट्स हैंड्स. नाउ कमिंग टू द कॉन्स, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्पीकर है और इससे बढ़िया कोई और स्पीकर हो ही नहीं सकता या फिर इसके अंदर कोई कमी है ही नहीं. देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर मिसिंग. पहली चीज, ये Zebronics के एक्चुअल डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्पीकर है. Zebronics के एक्चुअल डीएनए का मतलब 20 हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी शुरू करने वाले स्पीकर्स या फिर साउंड बार्स वो बनाते हैं, इस स्पीकर के अंदर 45 हर्ट्ज से उन्होंने शुरुआत करी है, विच इज नॉट बैड एट ऑल इन द पार्टी स्पीकर. बट अगर आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी की बेस को सुनने की कोशिश करेंगे बहुत कम वॉल्यूम पे, यू वॉन्ट फाइंड दिस स्पीकर वेरी गुड. लेट्स से अबाउट 10 वॉल्यूम, क्योंकि 30 इसके अंदर मैक्सिमम है. 10 वॉल्यूम पे आप बहुत ज्यादा बेस एक्सपेक्ट करेंगे, आपको वो नहीं मिलेगी क्योंकि लोअर, बिल्कुल लोअर फ्रीक्वेंसीज को ये स्पीकर प्ले नहीं कर सकता. सो दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज दिस इज एसेंशियली अ गुड पार्टी स्पीकर जो आपको थिएटर जैसा भी इफेक्ट दे मूवीज के साथ, इसलिए ऐसा ट्यून इस स्पीकर को करा गया है. कॉन नंबर टू, आप इस स्पीकर से क्लासिकल म्यूजिक एंजॉय नहीं कर सकते. इफ यू आर अ जैज फैन या फिर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं या फिर आप ओल्ड हिंदी सॉन्ग सुनते हैं जिसमें बेस बहुत कम होती थी, यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स इन दिस स्पीकर क्योंकि ये स्पीकर उन सॉन्ग्स के या उन जॉनराज के लिए या उन यूजर्स के लिए नहीं बनाया गया है. लेकिन अगर आप पंजाबी, पॉप, रॉक, हैवी मेटल कुछ भी सुनना चाहते हैं या फिर आप एक सिनेमा हॉल इफेक्ट चाहते हैं और अपने साथ साथ पड़ोसी को भी हिलाना चाहते हैं, तो ये मैं कहता हूं है तबाही. एंड दिस इज द न्यू नेम दैट आई हैव गिवन दिस Zebronics स्पीकर. एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ तबाही, दिस इज अ किलर स्पीकर सेट जो आप अपने घर में लगाएंगे तो आप तो हिलेंगे ही लेकिन आपका पड़ोसी भी डेफिनेटली हिलने वाला है. तो अब बात ये करते हैं कि ये स्पीकर किसे लेना चाहिए. लेकिन उससे पहले इसका प्राइस, Zebronics ने इसे लॉन्च किया है अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज का और ये फ्लिपकार्ट पे भी 25 से 26,000 रुपीज के अंदर अवेलेबल है. आप इसे Zebronics की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. आपकी कन्वीनियंस के लिए इसके लिंक्स मैंने दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर चेक करिएगा. लेकिन ये किसे खरीदना चाहिए ये जानिए.
अगर आप एक पार्टी स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो पार्टीज के अलावा, आप हर रोज तो पार्टी करते नहीं होंगे, पार्टीज के अलावा आपके घर के अंदर भी काम कर सके, यानी आपके रूम के अंदर आपको गाने सुना सके और आपके रूम के अंदर आपको एक सिनेमा हॉल वाला फील दे सके, देन दिस इज द राइट स्पीकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पुराने मोहम्मद रफी के गाने इस पे सुने, देन दिस इज नॉट द राइट स्पीकर। आपको पंजाबी, बॉलीवुड या किसी और टाइप के जॉनरा के सॉन्ग सुनने हैं जिसमें रॉक, जिसमें मेटल, जिसमें हैवी मेटल कुछ भी आता हो, देन दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू, क्योंकि ये आपको हिला के रख देगा। नाउ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अब इसे चेकआउट करिए। और अगर आपका कोई सवाल है इस स्पीकर से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन के नीचे एक कमेंट सेक्शन है, वहां पे लिख सकते हैं और मैं आपका आंसर्स जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।